बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है, अच्छे वॉल्यूम के साथ हुई है। वॉल्यूम देखें तो इस वक्त 2.87 बिलियन का इस वीक में जो है वॉल्यूम जनरेट हुआ है और 7.35% मार्केट का गेन है। मतलब बहुत अच्छा स्प्रेड है, बहुत अच्छे वॉलिटिलिटी देखी इसमें, बहुत अच्छा वॉल्यूम देखा। और सबसे बड़ा इंडिकेटर जो मेरा है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 9.5 ट्रिलियन ऑलमोस्ट अचीव हो गए हैं, सिर्फ 2 बिलियन रुपीस रह गए हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। फर्दर थोड़ा टेक्निकली इसको देख लेते हैं। और टेक्निकली देखें तो इस वक्त 89 पर है, आरएसआई 90 के करीब, मतलब समझे वीकली पे भी ये ओवरबॉट जोन में आ जाएगा। डेली पे तो है ही 93-99 ऐसा चल रहा है। मैं आपके साथ डेली भी शेयर कर दूं, डेली पे अगर आरएसआई देखें तो इस वक्त 95, ठीक है, इसके बाद जो है 94 93 94 95, ये इसी पे चल रहा है। और मार्केट का जो बिहेवियर है वो अगेंस्ट द टेक्निकल है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा था सोशल मीडिया पे कि शॉर्ट ना करें, ठीक है। अच्छा, क्वांटम लीप के बारे में मैंने आपको मंथली में बताया था, वो आप मेरी वीडियो देख लें, उसी हिसाब से मार्केट ऊपर ही जा रही है। मैं आपको बता देता हूँ मंथली में, इधर थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, टेक्निकली मैं आपको थोड़ा सा और ये बता दूं, डेली पे आ जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो मार्केट ने करेक्शन लेनी थी, थोड़ा सा देखें यहाँ करेक्शन लिया, ये गैप फिल किया, ये भी हल्का सा गैप आया था, ये गैप अभी पांच की है। और ये कब देखें, ये कब फिल होगा ये पता नहीं है, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस चीज को, ठीक है ना। तो इसकी आपको वीकली पे अगर देखें तो वीकली पे ये एक गैप बनता हुआ नजर आ रहा है इधर, ठीक है, 61,790 के अराउंड। तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये गैप फिल करे, एक ये थोड़ा सा हल्का सा गैप है, हो सकता है शायद फिल ना हो क्योंकि यहाँ से ये गैप दिया था तो हल्का सा, लेकिन फिर भी हम इसको शेयर कर लेते हैं आपके साथ कि भाई ये एक हल्का सा गैप यहाँ पे इस तरफ आ रहा है, ठीक है, ये वाला गैप है 55,440 के अराउंड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर इस, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एनालिसिस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो इस वक्त अगर हम करंट सिनेरियो में चले, अगर हम देखें तो 67,500 का लेवल जो एक्सपोज्ड है, ठीक है, क्योंकि ये इसने मिडिल बैंड जो है रिटेस्ट करना है आप आने वाले दिनों में, 66,300 66,400 ये मिडिल बैंड है इसका, इसके ऊपर अगर ये इंडेक्स परफॉर्म करता है तो ये एक्सपोज्ड होगा, ठीक है। तो ये आने वाले दिनों में 67,500 का तो ये लेवल एक्सपोज्ड है, और लोअर बैंड में अगर हम देखें तो 65,000 से लेके 65,200 ये लेवल अच्छे सपोर्ट एरिया बनते हुए नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस सेक्शन। अच्छा, अब आपको पता होगा कि हम सब लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज करते हैं, जो मुझे पुराने फॉलो करने वाले हैं, तो मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन लेता हूँ और ट्रेंड लाइन लेता हूँ, प्राइस सेक्शन और फिबोनाची। तो चलिए आइए हम इसको, इसमें फिबोनाची को प्लॉट करते हैं इसके ऊपर। ये वाला इसका अपर साइड है, ये इसका लोअर साइड है, इसे अगर हम कैंडल को लें। और क्वांटम लीप में मैंने आपको इसी हिसाब से बताया था मार्केट कहां तक जाने वाली है, वो आप मेरी मंथली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको 67,500 तो ये बीच में की हर्डल 66,800 का ये डे ऑन डे बेसिस पे, क्योंकि जैसे डाइवर्जेंस आ रहा था यहाँ रेजिस्टेंस आके करेक्ट कर सकती है अपने आप को। ये वाला रेजिस्टेंस एरिया इन बिटवीन 66,300 और 67,500, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ये एक बीच में रेजिस्टेंस हम इनके बीच में देख सकते हैं डे ऑन डे बेसिस पे ऑन शॉर्ट ग्राफ पे, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, और अगला टारगेट जो होगा वो फिर 68,000 का होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये वाला ले लेना जहाँ की क्लोजिंग आई है इसकी, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम अपर साइड पे ले लेते हैं। ये वाला लेवल जो है 67,000 समझ लें, तकरीबन 66,952 बनता है, 67,000 राउंड फिगर में आप ले लें। और फिर ये अकॉर्डिंग टू फिबोनाची और क्वांटम लीप अगर हम उसके हिसाब से लें वीकली के हिसाब से, तो ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 68,100 का। तो 67,500 तो एक्सपोज्ड है, 68,100 पे फिर ये हम हो सकता है यहाँ से कोई रिजेक्शन देखें और इसका ब्रेकआउट भी विटनेस कर सकते हैं, जैसे हम आने वाले दिनों पिछले दिनों में हम देख सके हैं, तो आने वाले दिनों में भी हम इसका ब्रेकआउट होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, इसकी वजह मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट टाइम भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन आपको समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, इस तरह मार्केट क्यों ऊपर गई है।
जो मेरे पुराने फॉलोअर हैं जो मेरी वीडियो देखते रहे, उसमें वीडियो पे भी मैंने कहा था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करें और अच्छा मौका है, 100 रुपए के अराउंड, 110 रुपए के अराउंड पीएस होता है, 120 रुपए मैंने कहा था, ऐसे शेयर जो हैं आप अपने पोर्टफोलियो में डालें। 78-76 में ईफोर्ट मिल रहा था, बहुत से ऐसे शेयर हैं जो अपनी फेयर वैल्यू से नीचे, बुक वैल्यू से अभी भी बहुत नीचे डिस्काउंटेड है, उस वक्त बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड थे, तो मैंने कहा उसमें आप इन्वेस्ट करें। लोग डर रहे थे, कह रहे थे यार अब तो ये 22% हो गया तो हम बैंक में जमा कराएंगे तो हमको ये हमारी सेफ इनकम हो जाएगी। तो मैंने उस वक्त भी कहा, वीडियो में कहा था कि मैंने डायवर्सिफाई करें, आप बैंक में भी रखें। मैं इस्लामिक बैंक प्रीफर करता हूँ, मैं कन्वेंशनल बैंक प्रीफर नहीं करता हूँ। अगर आपने करना है तो इस्लामिक बैंक में थोड़ा सा करें, थोड़ा सा गोल्ड में डालें, और मैंने कहा थोड़ा सा स्टॉक भी अपने पोर्टफोलियो में बिल्डअप करना शुरू करें, उसमें पोर्टफोलियो बिल्डअप करें और ये अपने पोर्टफोलियो में डालें ये शेयर। तो देखिए आपने 22% के चक्कर में बैंक में तो पैसा, अच्छा बैंक का जब ये मेरा ट्विटर अकाउंट में मैंने कहा था कि बैंक में रिकॉर्ड पैसे डिपॉजिट हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अगर पैसा किसी के पास आता है तो रोटेशन पे रखेगा, जब भी तो आपको प्रॉफिट देगा। तो उनके पास और भी थे ऑप्शन, थे सुकूक बॉन्ड थे और टी बिल्स थे, इसके बाद और पैसा बचा, जब सरप्लस हुआ इनके पास तो उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो अब वो अगर हम ऑन एवरेज देखें तो बिटवीन 100-150 ऑन एवरेज एक साल का उन्होंने ये इतना परसेंट उन्होंने कमाया, और आपको कितना देंगे 20%, क्योंकि 22% तो मॉनेटरी पॉलिसी का रेट है, आपको देंगे वो 18% 20%, तो फायदे में कौन रहा ये आप देख लें, अब आप खुद ही सोच लें। बहरहाल अब इसको वीडियो को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं टेक्निकली। अच्छा अब हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से देख लिया जो गैप फिल्ड होने बाकी है, यहाँ पे वीकली पे हल्के हल्के हैं यहाँ पे, लेकिन इसकी इंडिकेशन आपको मिलेगी इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद। अगर हम देख लें तो इसको मोस्ट प्रोबेबली ये वाला लेवल जो है सीपीआर का 65,200, और ये समझे इसकी जो यहाँ पर है 65,200, इसके नीचे अगर इंडेक्स जो है परफॉर्म करता है तो फिर हम इसमें मजीद डाउनसाइड देख सकते हैं। अच्छा अब आ जाते हैं मजीद अपसाइड कहाँ तक, अब जैसी बात है ये हम टेक्निकली इसको हम इंडिकेटर के थ्रू देखते हैं कि मार्केट आगे, हमने तो एक फिबोनाची के एक तो हमने प्लॉट कर लिया, ठीक है, हमने प्राइस एक्शन के हिसाब से भी देख लिया। अपर साइड पे जाहिर से प्राइस एक्शन तो है ही नहीं, कोई मार्केट तो नया रिकॉर्ड बना रही है तो अपर साइड पे तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं, तो हम इसके हम जो है ट्रेंड लाइन की हेल्प से जो है हम आगे का ट्रेंड डिफाइन करेंगे। अब हम आ जाते हैं लाइन चार्ट की तरफ, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा नीचे इसको नैरो कर लें, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम करंटली देखें यहां पे तो इसके हिसाब से अगर हम देखें यहां पे प्राइस ट्रेंड लाइन जो हमने पहले बनाई थी यहां पे, ये वाली मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको ये थोड़ा सा और वो कर लूं, ठीक है, यहां पे अगर हम इसको लें, एक तो ये वाला एरिया है, ठीक है, यहां से अगर हम लें इसको ट्रेंड लाइन को तो हम इसके यहां पे हमको और भी सपोर्ट मिलती हुई नजर आएंगी इधर, देखें इसकी सिंक्रोनाइजेशन देखें, अगर हमने यहाँ इसको ब्रेक किया है ये वाला लेवल भी है नीचे भी इतने यहां तक भी आ सकता है, जो मैंने कहा था गैप फिल जहां आखिरी है तो ये इसका जो है यहां पर भी इसको रिटेस्ट कर 54,700 भी है, मैं यहां पर ये एक और भी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये भी एक इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूं ये वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और जूम आउट करके हम नीचे के जो लेवल जो है वो उसको हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से लेवल जो यहाँ पे ये रिटेस्ट हो सकते हैं। अच्छा अपर साइड पे देखें तो एक ये यहाँ पे जो है नजर आ रहा है हमें बनता हुआ, यहाँ पर भी हम देख लें, ये 43,000 का था और ये हायर हाई करता हुआ ये स्टॉक ऊपर गया था, तो इसकी भी आप देखें ऑलमोस्ट सिंक्रोनाइजेशन जो है वो हो रही है यहाँ पे ये वाले लेवल पे। तो मोस्टली देखें यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन की हेल्प से देखें तो सिंक्रोनाइजेशन बन रही है प्राइस सेक्शन के हिसाब से, 61,900 भी आ रहा है इधर देखें इसका, और
55,400 और 54,900 ये भी हम आने वाले दिनों में रिटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, अब मजीद अपर साइड की तरफ अगर हम आए तो हम ये वाला जो है ये लेवल ले सकते हैं, ये वाला यहां से अगर हम ले लेवल, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं ये नैरो कर दूं, इसको मैं थोड़ा सा और यहां पे आपको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये वाला लेवल जो है यहां से ये अगर हम लें इसको, ठीक है, तो ये 74,000 ठीक है यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है एक सपोर्ट लेवल। यहां से अगर मैं आपको बोलूं थोड़ा सा ये अपर साइड पे बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन, ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है 75,000 का ये एक ये रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है आने वाले हफ्तों में वीक ऑन वीक बेसिस पे। अगर ये सस्टेन करता है 67,500 तो आने वाले दिनों में ये आपके साथ जो मैंने शेयर किया है लेवल वो आपके साथ में शेयर कर लेता हूं। यहां पे इसको बना देता हूं, इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया एक तो ये 75,000 है ये वाला एरिया, ठीक है, इसको और थोड़ा सा जूम आउट कर लूं, तो आपको और एरिया मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको नीचे यहाँ पे कर लें ये वाला एरिया, ठीक है, तो थोड़ा सा और क्योंकि ये काफी हिस्ट्री काफी बड़ी है यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगी देखने में। देखें ये मैंने हिस्ट्री ली है इसकी यहां से 39,000 से और ये आगे जाके अपने आपको 78,000 यहाँ पे ये लेवल भी अपने आपको रिटेस्ट कर सकते हैं आने वाले हफ्तों में। ये वाला लेवल जो है ये रिटेस्ट कर सकता है और अगर हम इसका हिसाब से अगर हम ट्रेंड ये ले अपर साइड पे ये वाला लेवल थोड़ा सा ये वैसे तो ये मंथली पे होता है लेकिन मैं आपको जो है ये बता रहा हूं यहाँ पे ये 84,600 ये वाला लेवल जो है ये वाला लेवल भी रिटेस्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। ये वाला 84,800 84,200 ये वाला लेवल जो है ये रिटेस्ट हो सकता है। तो ये मैंने आपको दो लेवल बता दिए हैं आने वाले दिनों में और मजीद और अपर साइड पे चले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं लेकिन अभी इसके चांसेस अभी बहुत मुश्किल हैं। एक ये रह गया जो है ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसकी ये भी आगे जाके इंडिकेशन मिल रही है। अगर ये ऐसी बात है ब्रेकआउट मिलता है इनका तो अगला भी आपके साथ शेयर कर दूं वो ये वाला लेवल होगा 90,500 का ये वाला लेवल आने वाले दिनों में ये लेवल भी डिटेस्ट हो सकता है 90,100 का 500 का, मतलब ये वॉलेटिलिटी रहती है। तो ये तो मैंने आपको बता दिए जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से तो ये लेवल जो है आने वाले दिनों में रिटेस्ट हो सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट मिलता है। सबसे पहले तो 67,500 का प्राइस सेक्शन उसके हिसाब से सीपीआर के हिसाब से, फिर इसके बाद है 78,600 84,200 और 90,100। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।